ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सुरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ओमान के रास्ते होते हुए जाएंगे बिश्केक। प्रदेश में उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए सरकार लाएगी नया कानून, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान को बनाएंगे इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट। सरकार करेगी चिकित्सा संस्थानों का कायाकल्प, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित। और दुबई से आ रही स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर हवा में फटा, जयपुर में हुई लैंडिंग, विमान में थे 189 यात्री। पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले वेस्टमिंस्टर कोर्ट लगातार 3 बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। नीरव को 19 मार्च को 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा। बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लिहाजा अब गवाहों को समन जारी करना ठीक नहीं होगा। गुजरात की निचली अदालत जामनगर 20 जून को फैसला सुनाएगी। दरअसल बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 3 दशक पुराने हिरासत में मौत के एक मामले में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए कुछ अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के भट्ट के अनुरोध को हाईकोर्ट खारिज कर दिया था। 1989 में एक आरोपी की भट्ट की हिरासत में मौत हुई थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि 24 मई को इसी तरह की एक याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है और ऐसी स्थिति में वह याचिका पर विचार नहीं कर सकती। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार के पास प्रधानमंत्री के वीवीआईपी प्लेन को बिश्केक में होने वाले एससीओ सम्मेलन में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से नहीं बल्कि ओमान, ईरान और सेंट्रल एशियन देशों से होते हुए बिश्केक जाएंगे। गौरतलब है कि शंघाई सहयोग संगठन के 2019 का शिखर सम्मेलन बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान में 13 और 14 जून को आयोजित होगा। इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। इससे पहले खबर थी कि किर्गिस्तान जाने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान के हवाई रूट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इजाजत भी दे दी थी, लेकिन समिट के ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने फैसला लिया कि पीएम मोदी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद सूबे में तनाव और बढ़ गया है। लगातार हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके अलावा पानी की तेज बौछार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सूबे में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हैं। सूबे में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल तनाव उस समय और बढ़ गया जब मालदा में 2 दिन से लापता बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इससे और भड़क गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अनिश्चितता के बीच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनौपचारिक बैठक के बाद सुरजेवाला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राहुल अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे।
हम में से किसी को इसमें शक नहीं है। यह पूछे जाने पर क्या गांधी का विकल्प तलाशा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस अनौपचारिक बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक आखिरकार चांद पर भारत का दूसरा कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चांद पर जाने को तैयार भारत का स्पेस मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्च का ऐलान बेंगलुरु में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने कर दिया। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को सुबह 2:51 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। सिवान ने बेंगलुरु में इस मिशन से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट का लॉन्च भी किया। इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी कि चंद्रयान 2 को 15 जुलाई की अलसुबह 2:51 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। सिवान ने बताया कि 15 जुलाई को लॉन्च के 15 मिनट बाद GLSV से कंपोजिट बॉडी को इजेक्ट कर दिया जाएगा। राज्य में औद्योगिक वातावरण बढ़ाने और उद्यमियों को सहूलियतें देने के इरादे से सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इस विषय पर कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने MSME वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी उपस्थित रहे। अब MSME उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक उद्योग लगाने से संबंधित सरकारी विभागों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उद्योग लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी कर देगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 साल तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियां और निरीक्षण से मुक्त रहेगा। उद्यमी को 3 साल बाद 6 महीने में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे उद्योग लगाने के दौरान उद्यमियों को जो परेशानियां होती हैं उससे निजात मिलेगी। और ऑर्डरली जारी कर हो चुका था, आगे आखिर में लागू होने से हम लोग को तकलीफ हुई, जो चाहते थे उस रूप में ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। असेंबली आ रही है, उसमें हम लोग इसको कानून को रुकाएंगे। पर ये बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसमें युवा वर्ग के लिए अनेक अवसर मिलेंगे, उनका टेंशन खत्म होगा। अभी तो आप देखते हैं कि कोई सोचता भी उद्योग लगाना तो पहले टेंशन होता है कि तमाम परमिशन और जिस रूप में वो परेशान होते हैं तो आधे लोग तो छोड़ चले जाते हैं। ये जो छूट दी गई 3 साल के अंदर अंदर आराम से परमिशन को जब चाहू तब एक पोर्टल में आप अप्लाई करो, एक्नॉलेजमेंट आएगा, आप अपना काम छोड़ो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर फिरोजपुर फीडर की रीलाइनिंग के कार्य को शीघ्र कराने का आग्रह किया है। गंग नहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की दिशा में इस फीडर की रीलाइनिंग बेहद जरूरी है। गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि 1960 के दशक में बनी फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से इसमें जल प्रवाह की क्षमता काफी कम हो गई है। रीलाइनिंग से क्षमता में सुधार होगा और जलापूर्ति में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि जल प्रवाह में वृद्धि होने से पश्चिमी राजस्थान की गंगनहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के किसानों को समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार न केवल आमजन के लिए गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपलब्ध कराएगी बल्कि चिकित्सा संस्थानों के कायाकल्प का भी हर संभव प्रयास करेगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कायाकल्प गुणवत्ता आश्वासन की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोगमुक्त राजस्थान के निर्माण के लिए हम सबको संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार ने प्रदेशवासियों को राइट टू हेल्थ देने का वादा किया था और इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया। सरकार ने हाल ही ई सिगरेट पर पाबंदी लगाई है। सरकार प्रत्येक वह काम कर रही है जो आमजन की बेहतर सेहत से जुड़ा हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों का फीडबैक जानने के लिए माय अस्पताल नाम से ऐप भी शुरू किया है, जिससे अस्पताल आने वाले हर मरीज का फीडबैक लेकर उसकी संतुष्टि का स्तर पता किया जाता है। इस ऐप से अब तक 171 चिकित्सा संस्थान जोड़े जा चुके हैं। नशा मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, ई सिगरेट पर पाबंदी लगा रहे हैं, हुक्का बार पर पाबंदी लगा रहे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं जिससे एक आम आदमी का स्वास्थ्य
बेहतर हो सके, अच्छा हो सके, ये चुनौती हम लोगों के सामने है। आज पूरे विभाग में 1,00,000 तो हमारे अपने कर्मचारी और उसमें आशा को जोड़ते हैं, 1,50,000 लोग हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सालाना हमारा सरकार का जो बजट है 13,500 करोड़ रुपए चिकित्सा विभाग अपने महकमे के ऊपर खर्च करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कोई कमी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 14,338 हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे 2,080 PSCs हैं, 606 CSC हैं, उसके ऊपर सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, उनसे संबद्ध अस्पताल अलग, कोई कमी नहीं है। मैं भी पूछ रहा था आज तक हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरे स्टेट में उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, हमारे टैक्स पेयर जनता। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट कंपनी के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दुबई जयपुर के बीच इस उड़ान SG-58 के दौरान तकनीकी खामी के चलते एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के दौरान विमान के टायर फटने की जानकारी भी मिली है। इस दौरान विमान में 189 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को लैंडिंग के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे तकनीकी खामी बताई जा रही है। इस लैंडिंग के बाद यात्री एयरपोर्ट पर तो सुरक्षित पहुंच गए हैं, लेकिन उनके सामान में देरी से यात्री खासे परेशान नजर आए। टायर फटने के बाद पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। मरम्मत में देरी के लिए जयपुर दुबई फ्लाइट SG-57 से दुबई जाने वाले लोगों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। भीषण गर्मी से तप रहे प्रदेशवासियों पर आज आसमान से राहत की बूंद बरसी। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रदेश में पहुंचने के कारण यह बरसात हुई। राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में करीब आधा घंटा हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके के कनकपुरा क्षेत्र में बजरी माफियाओं का कहर देखने को मिला। अवैध बजरी की तस्करी करने वाले एक ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। ट्रक चढ़ने से व्यक्ति किशोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कनकपुरा इलाके की गंगा विहार कॉलोनी में एक बजरी से भरा ट्रक आया और जब वह खाली होकर वापस लौटा तो कॉलोनी वासियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ट्रक चालक ने वहां खड़े एक व्यक्ति पर ही ट्रक चढ़ा दिया और ट्रक को रास्ते में ही छोड़कर भाग निकला। करधनी पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने हंगामा किया और जल्द से जल्द आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दायंगल के साथ। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।